got up. One lady, yes. I got up. Ladies must ask here before you. Naturally, मेरे से तो हो नहीं सकता. नहीं अब तो कपिल पाजी को पूछना पड़ेगा. नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ भाई. पहले इनसे पूछ ले. सवाल आप ही के लिए है और नो ऑफेंस टू कपिल जी. सवाल छोटा भी नहीं है, थोड़ा सा समय लूंगी. आपने सचिन तेंदुलकर के लिए कहा कि नो डाउट उस समय इतने डेडली वेस्ट इंडियन बॉलर्स थे, लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो मैल्कम मार्शल अकेले ऐसे वेस्ट इंडियन बॉलर थे जिनके 22 5 विकेट हॉल थे. सचिन के टाइम पर हम देखें तो कूटनी वॉल्श, कर्टली एम्ब्रोज, वकार यूनिस, फिर 22 5 विकेट हॉल. उसके बाद अगर वसीम अकरम की बात करें 25, ग्लेन मैकग्रा की बात करें 29. तो ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से मुझे बात समझ नहीं आई. और जल्दी से एक और चीज जोड़ दूं, रागी मुझे लगा आप क्रिकेट, आप पॉलिटिशियन है, आप तो क्रिकेट की प्रेमी निकली है यार. भारत में तो सभी लोग रही है. बड़ा मैं इंप्रेस हुआ हूं. और एक चीज और जोड़ दूं, इंडिया आप मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ में आ जाए, पाकिस्तान में आके पॉलिटिक्स करें. मुझे एक पॉलिटिक्स यही करूंगी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं और मुझे लगता है जैसे आपसे पूछा लोकतंत्र का क्या भविष्य है, कांग्रेस का भविष्य और लोकतंत्र का भारत में मुझे लगता है कि बहुत कांग्रेस पार्टी है. और इमरान दोनों ऑपोजिशन में है इस समय, लेकिन करिए. अच्छा जल्दी से जोड़ दूं, इंडिया टुडे ने एक सलाम सचिन कॉन्क्लेव की थी, उसमें किरण मोरे ने ये बात कही थी कि 1989 में अब्दुल कादिर की जो धुनाई हुई थी और खासतौर से एक ओवर में 4 चौके जो सचिन तेंदुलकर ने मारे थे, 4 छक्के माफ कीजिए, उसके बाद इमरान खान को सचिन से डर लगने लगा था. तो इन दोनों चीजों को मैं मिलाकर आपके मिक्स्ड इमोशंस जानना चाहती हूँ, सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या रहे पूरे जीवन का. जी मैं पहले तो बात मुकम्मल नहीं कर सका. मैंने ये कहा था कि आप जब कंपेयर करते हैं सुनील गवास्कर को और उस एरा के प्लेयर्स को जो बाद में आए हैं, ये मेरा हो सकता है आप मेरे से बेहतर समझते हो स्टैटिस्टिक्स देख के, लेकिन मेरा तो ये बिलीफ है मैंने कभी इस तरह की बॉलिंग नहीं देखी और इस तरह की फास्ट बॉलिंग. और उस दौर में फिर वो लिली थॉमसन, वो भी यूनिक बॉलर्स थे. और आप इसलिए ये 5 विकेट्स हॉल कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि जो क्रिकेट अब थी 90s के बाद शुरू हुई और उससे पहले थी. मैं आपको बताऊं कि मैंने 21 साल में 88 टेस्ट मैचेस खेले, तो अब तो एक साल के अंदर 100 से ज्यादा टेस्ट खेल लेते हैं. चार पांच सालों के अंदर 10-10, 13-13 टेस्ट मैचेस होते हैं पर ईयर. तो मैंने तो एक एक साल में दो दो टेस्ट मैच खेले हुए. मेरी तो पीक पे मैंने क्रिकेट ही नहीं खेली, तो इसलिए ये कंपैरिजन थोड़ा मुश्किल है. मैं सिर्फ अपनी एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट जो मैंने वो कैलिबर ऑफ बॉलिंग देखी थी और जो बाद में देखी थी, इसमें आउटस्टैंडिंग मैकग्रा आउटस्टैंडिंग बॉलर था, कर्टली एम्ब्रोस था. लेकिन इमेजिन करें कि कर्टली एम्ब्रोस जब मैं खेला हूं उसके साथ, तो मैल्कम मार्शल, कर्टली एम्ब्रोस, वॉल्श, बिशप पैटरसन, यानी 5-6 उनके पास ओवर 90 माइल्स पर आवर बॉलर्स थे. तो मैं कह रहा हूं कि वो जो कॉन्सेंट्रेशन थी तेज बॉलरों की, वो कभी आई नहीं तारीख में जो एक छोटे से पीरियड में आई है. एक टीम में तो कभी भी नहीं आई. लेकिन इसका यह नहीं मतलब कि सचिन तेंदुलकर होते तो तब भी ना परफॉर्म करते. मैं सिर्फ कह रहा हूं कि थोड़ा सा आपको वेन करना पड़ता है डिफरेंट एरर्स में कि किस तरह की कंपटीशन, किस तरह की बॉलिंग, किस तरह के तेज बॉलर्स, और थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है कंपेयर करना एरर्स, डिफरेंट एरर्स.